पंजाब सरकार द्वारा ऐसी छात्राओं की फीस माफ करने के बावजूद भी तकनीकी शिक्षा व औद्योगिकी विभाग चंडीगढ़ से मान्यता प्राप्त जिला गुरदासपुर के गुरु नानक आर्ट एंड क्राफ्ट संस्था मद्दोवाल द्वारा आज फिर कमर्शियल आर्ट ड्राइंग के पेपर दौरान 5 ऐसी छात्राओं को फीस न देने के कारण परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, जिसके चलते कांग्रेस के SC ST जिला चेयरमैन जिमी बराड़ ने नेतृत्व में कॉलेज के बाहर MD के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस मौके पर शिवसेना व आप पार्टी के कार्यकर्ता भी छात्रा के हक में इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भाषण दिए जाते हैं, यहाँ पर छात्रों के साथ धक्केशाही हो रही है, उनसे फीस माफ होने के बावजूद भी फीस ली जा रही है। छात्राओं ने बताया कि प्रबंधकों द्वारा उनको परेशान व जलील किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र से बाहर निकाली गई 5 छात्राओं ने MD की गैर हाजिरी में संस्था का काम देखने वाली मैडम पर उनसे दुर्व्यवहार करने व परीक्षा केंद्र से बाहर निकालने का इल्जाम भी लगाया है। छात्रा ने बताया कि वह यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का 2 साल का कोर्स कर रही है, इस समय वह दूसरे साल की फाइनल पेपर दे रही है। सरकार द्वारा ऐसी छात्राओं की फीस माफ होने के कारण उन्हें संस्था में दाखिला लिया था, मगर संस्था ने कहा कि सरकार द्वारा छात्राओं की फीस संस्था को नहीं दी गई, इसलिए हर छात्रा को 8,500 रूपए जमा करवाने होंगे। सभी बच्चों ने बड़ी मुश्किल से पहले साल के पैसे जमा करवा दिए, दोबारा दूसरे साल की फीस जमा करवाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। तब छात्रा कमल ज्योति ने 3,000 रूपए, अलका ने 6,000 रूपए, रोजी ने 3,500 रूपए व अनीता ने 2,500 रूपए जमा करवा दिए। बाकी बकाया पैसे बाद में जमा करवाने के लिए निवेदन किया, मगर संस्था ने पेपरों में कई बार हमको जलील किया, बकाया फीस लाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने बताया कि वे बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जिसके कारण वे 1,000 रूपए की फीस एक बार नहीं दे सकती। इस कारण संस्था के अध्यापकों ने उन्हें पेपर में नहीं बैठने दिया, वो जबरदस्ती परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उनका साल बर्बाद हो गया है। मेरी सेकंड ईयर चल रही है, फर्स्ट ईयर के पेपर इन्होंने ला ले सीगे, पर उदो भी सानू बाहर कट दिंदे सीगे, पर उदो पेपर ला ले, हुण इन्होंने सर जो तो फर्स्ट पेपर इना साडा उस दिन तो लैके ना इन्होंने सानू बाहर खिला रहा साडे ना, मतलब रोज रोज ना इन्होंने ना आधा घंटा ऐदा ही ला लेंदे सीगे, साडा पेपर ऐदा ही मतलब पूरा कंप्लीट भी नहीं हुंदा, फिर जदों इन्होंने आधे घंटे बाद साडा पेपर लैना उस तों बाद साडा पेपर कंप्लीट नहीं होना, सर सानू 5 मिंट भी 2 मिंट भी वध नहीं दिंदे, सर फिर फीस की वजह करके फीस तो आके सानू संस्था के MD विक्रमजीत सिंह ने उल्टा छात्राओं पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि छात्रा द्वारा लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद है, यहाँ कोई भी समस्या नहीं है और कॉलेज पेपर लेने के लिए तैयार है, पर छात्रा पेपर देने के लिए तैयार नहीं है, उन पर कॉलेज का माहौल खराब करने का भी इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि छात्राओं से आज तक कोई भी फीस नहीं ली गई है। सर मसला कोई है ही नहीं है, कॉलेज पेपर लेने ली जा रहा बच्चे के, सर मिस हो गया, कितना मसला क्यों नहीं है, कोई कारण है, कोई को कारण है, ये दो पेपर मिस हो गया, कोई भी बच्चे ये अपनी मर्जी ना जब कोई नहीं पेपर देंगे, अभी तो सामने सवेर दे कह रहे हैं कि बच्चे पेपर दे पेपर दो, जमें आप कुछ समान लिया होगा जो कुछ जो बाहरों नहीं मिलता जो ले लेते हैं, कोई भी इस तरह की कोई गलती नहीं। कॉलेज वालों फीस ले गई है सर, सर नहीं ऐसे बच्चे को नहीं। गुरदासपुर से हेमंत कुमार के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बास्केट।